मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं। ये सुखद संयोग है कि इसी स्थान पर, इसी स्टेडियम में 1951 में प्रथम एशियन गेम्स हुआ था। आज आप भी और आप सभी खिलाड़ियों के आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दल में शामिल हर व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, अधिकारीगण, उन सभी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कैरियर के बहुत सारे रास्ते हो और बच्चे जब इस दिशा में जाते हैं तो शुरू में तो बहुत ही विरोध होता है कि टाइम खराब मत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो ना करो। कभी चोट हो गई तो माँ कह दी, नहीं अब तो नहीं जाना है, अब मैंने तुझे चोट नहीं होने दूँ। और इसलिए आपके माता पिता भी वंदन के अधिकारी हैं। आप कभी पर्दे पर, तो जो पीछे जो रहने वाले लोग होते हैं वो कभी पर्दे पर आते नहीं, लेकिन ट्रेनिंग से पोडियम तक ये जो सफर है ना, ये इन लोगों के बिना संभव ही नहीं है। साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में के जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा हाँ, हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में
हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x400 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद, और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे, आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए, कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों, इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर, यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है, एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा, एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं, वो जैसे तय करके आई हैं। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है, और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं
कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। हमारा प्रयास है गांव देहात में रहने वाले स्पोर्ट्स टैलेंट को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, हमारे सभी खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे, उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो। इसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं। 9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। हमारी टॉप्स और खेलो इंडिया स्कीम्स गेम चेंजर साबित हुई है। और मेरा तो गुजरात का अनुभव है, गुजरात के लोग एक ही खेल जानते हैं, पैसों का। लेकिन जब खेलो गुजरात शुरू किया तो ऐसे धीरे 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 करके एक स्पोर्टी कल्चर बनने लगा। और उसी अनुभव से मेरे मन में आया था, और उस अनुभव के आधार पर ही खेलो इंडिया हमने यहाँ आरंभ किया और बहुत सफलता मिली। साथियों, इस एशियन गेम्स में करीब 125 एथलीट्स ऐसे हैं जो खेलो इंडिया अभियान की खोज है। इनमें से 40 से ज्यादा ने मेडल भी जीता है। खेलो इंडिया अभियान से निकले इतने सारे खिलाड़ियों का पोडियम तक पहुंचना, ये दिखाता है कि खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप जहां से भी हैं, वहां के स्कूल कॉलेज जब भी बात करें, हर एक को खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। उसी में से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। टैलेंट की पहचान से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग और दुनिया की बेस्ट कोचिंग तक, आज भारत किसी में भी पीछे नहीं है। इस समय आप देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, इस समय 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है। इस योजना के तहत अब करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोशिशों के लिए पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। सरकार आपके लिए, खेल जगत के लिए अगले 5 साल में 3000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रही है। आज देश के कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। साथियों, एशियन गेम्स में आपके प्रदर्शन ने मुझे एक और बात के लिए उत्साहित किया है। इस बार
मेडल टैली में कम उम्र के बहुत से एथलीट्स ने अपनी जगह बनाई है। और जब कम उम्र के खिलाड़ी ऊंचाई को पाते हैं ना, तो वो अपने आप में स्पोर्टिंग नेशन की हमारी पहचान बनाते हैं, स्पोर्टिंग नेशन की निशानी है ये। और इसलिए मैं ये जो सबसे छोटी आयु के लोग विजयी होकर के आए ना, उनको आज मैं डबल बधाई देता हूँ, क्योंकि आप लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले हैं। कम उम्र के ये नए विजेता लंबे समय तक देश के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे। युवा भारत की नई सोच अब सिर्फ अच्छे प्रदर्शन में ही संतुष्ट नहीं हो रही, बल्कि उसे मेडल चाहिए, जीत चाहिए। साथियों, यंग जनरेशन आजकल एक शब्द बहुत बोलती है, गोट, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देश के लिए तो आप सभी गोट ही गोट है। आपका जुनून, आपका समर्पण, आपके बचपन के किस्से सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये दूसरे युवाओं को बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मैं देखता हूँ छोटे बच्चे आपसे बहुत प्रभावित है, वे आपको देखते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। आपको अपने ही सकारात्मक प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ना चाहिए। मुझे ध्यान है, इससे पहले जब मैंने प्लेयर से आग्रह किया था वो स्कूल में जाकर बच्चों से मिला करें, तो बहुत से प्लेयर्स स्कूलों में गए थे। उनमें से कुछ यहाँ मौजूद भी हैं, मुझे नीरज एक स्कूल में गए तो वहाँ के बच्चों ने बड़ी तारीफ की नीरज की। मैं आज आप सभी से फिर कुछ ऐसा ही आग्रह करना चाहता हूँ। देश को आपसे भी तो कुछ मांगने का हक है ना, क्यों चुप हो गए, है कि नहीं? नहीं, ढीला बोल रहे हैं, फिर तो गड़बड़ है। देश को आपसे भी तो कुछ अपेक्षा है कि नहीं है, पूरा करेंगे? देखिए मेरे प्यारे एथलीट्स, देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अनजाने में हुई डोपिंग भी किसी खिलाड़ी का करियर तबाह कर देती है। कई बार जीत की चाहत कुछ लोगों को गलत रास्तों की तरफ ले जाती है, लेकिन इससे ही आपके और आपको, हमारे युवाओं को, आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाहता हूँ। आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता है और सही रास्ते पर जाकर के आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो गलत रास्ते पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात मानेगा। और इसलिए आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप दृढ़ निश्चय और मानसिक शक्ति के प्रतीक है। सिर्फ शारीरिक शक्ति से मेडल नहीं आते जी, मानसिक शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आप उसके धनी है। ये आपकी बहुत बड़ी अमानत है, वो अमानत देश के काम आनी चाहिए। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। जब भी मौका मिले, कोई भी आपसे बाइट मांगता हो, इंटरव्यू मांगता हो, दो वाक्य ये जरूर बताइए। मैं देश के मेरे युवा साथियों को ये कहना चाहती हूँ या ये कहना चाहता हूँ, ये जरूर कहिए, क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो आपकी बात देश का युवा सुनेगा। मैं आपसे इसे अपना मिशन बनाने का अनुरोध करता हूँ।
आपको लोगों से मिलते हुए अपना इंटरव्यू देते समय स्कूल कॉलेजों में हर जगह नशीली दवाओं के खतरे के बारे में जरूर बताना चाहिए। आपको ड्रग मुक्त भारत की लड़ाई को ताकत देने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, आप सुपर फूड की भी अहमियत जानते हैं और ये फिटनेस के लिए कितना जरूरी है ये भी आपको पता है। आपने अपनी लाइफस्टाइल में जिस तरह पौष्टिक खाने को वरीयता दी हुई है और बहुत सी चीजें अच्छी लगने के बाद भी खाने से दूर रहे हैं, क्या खाना जितना महत्व इससे ज्यादा क्या न खाना वो और महत्व का होता है, वो हमारे नारंग को पूछना, उसकी परेशानी यही है। और इसलिए मैं कहूंगा कि देश के बच्चों में फूड हैबिट्स के संबंध में, पौष्टिक आहार के संबंध में जरूर आप बहुत गाइड कर सकते हैं। आप मिलेट आंदोलन और पोषण मिशन में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको स्कूलों में बच्चों से सही खान पान की आदतों के बारे में अधिक बात करनी चाहिए। साथियों, खेल के मैदान में जो आपने किया है वो एक बड़े कैनवास का भी हिस्सा है। जब देश आगे बढ़ता है तो हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखता है। भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम यही होता देख रहे हैं। जब देश में परिस्थितियां ठीक नहीं होती तो वो खेल के मैदान में भी रिफ्लेक्ट होती ही होती है। आज जब विश्व पटल पर भारत एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रहा है, आपने उसे खेल के मैदान में भी प्रदर्शित किया है। आज जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को होता है। इसलिए आज आप स्पेस पे देखिए, भारत का डंका बज रहा है, चंद्रयान की चर्चा चारों तरफ है, स्टार्टअप्स की दुनिया में आज भारत टॉप पर है, साइंस और टेक्नोलॉजी में अद्भुत काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में भारत का युवा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए, उसके सीईओ भारत के संतान है, भारत के नौजवान है। यानी भारत का युवा सामर्थ्य हर सेक्टर में छाया हुआ है। देश को आप सभी खिलाड़ियों पर भी बहुत भरोसा है। इसी भरोसे से हमने 100 पार का नारा दिया था, आपने उस इच्छा को पूरा कर दिया। अगली बार हम इस रिकॉर्ड से भी कहीं ज्यादा आगे जाएंगे और अब हमारे सामने ओलंपिक भी है। पेरिस के लिए आप दम लगाकर तैयारियां कीजिए। जिन्हें इस बार सफलता नहीं मिली उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम गलतियों से सीख लेकर नए प्रयास करें। मेरा विश्वास है आपकी भी जीत जरूर होगी। कुछ दिन बाद ही 22 अक्टूबर से पैरा एशियन गेम्स भी शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पैरा एशियन गेम्स के भी सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी फिर से एक बार इस शानदार प्रदर्शन के लिए, शानदार सिद्धि के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।